करता हूँ, आगाज करता हूँ अपनी गुफ्तगू का। दुआए फातिमा है, हक के पैरोकार बैठे हैं। दुआए फातिमा है, हक के पैरोकार बैठे हैं। अली का जिक्र शाहिद है, सभी खुददार बैठे हैं।
अंजुमनों की तरफ का एक उसूल मतलब क्या कहें रिवाज है कि अंजुमनों की वजह से सलाम के शेर कलाम तो जरूर होते हैं, मैं नहीं पढ़ता, मगर ये दो शेर माहौल को देखते हुए अगर मैंने नहीं पढ़ा तो मेरे साथ ना इंसाफ नहीं होगा। इसी दलील पे मैं पढ़ रहा हूँ। उन्हें समझाइए वो जश्न में बेकार बैठे हैं, खयामे ज़ैनबे दिलगीर में आयो मोहम्मद पे, खयामे ज़ैनबे दिलगीर में आयो मोहम्मद थे, मगर ये शोर उठा जाफरे तैयार। मगर ये शोर उठा जाफरे तैयार बैठे हैं, वो अब भी इसलिए फर्शे अज़ा से खौफ खाते हैं। ठीक है, फरजान भाई हैं, साहिब-ए-बयाज़ हैं, काशिफ हैं, शायर हैं, भाई हैं हमारे, नाज़िम हैं,
ठीक है। अब मैं उसका बता रहा हूँ, पूरा दुनिया आपको पहचानने लग जाएगी। अगर हाथ बात होगी तो सबका हाथ उठा होना चाहिए। अब तो जहरीले अली तक आ रहे हो जिब्राइल, अच्छा मतलब मिल गया पढ़ने पढ़ाने के लिए, खुद ब खुद सारा जहां पहचानने लग जाएगा, खुद ब खुद सारा जहां पहचानने लग जाएगा। नारे हैदर लगाओ कद बढ़ाने के। नारे सलावत अल्लाह मोहम्मद वाले
मैं पेश करता हूँ आखिर में कुछ कलमात और कि कर रहा था सिर्फ कोई शजरा दिखाने के लिए वजूद अली या सिफत और किसके साथ में है। फिर से आप लोग आ जाइए उसी माहौल में, वजूद अली या सिफत और किसके साथ में है, वो जिसका तस्करा कुरान की बात बात में है। अली के खत्म की मिल जाए, जरा सी खाक अली के खत्म की मिल जाए, ये एहतियात भी यूसुफ की ख्वाहिश है। जरा सी खाक अली के खत्म की मिल जाए, ये एहतियात भी यूसुफ की ख्वाहिशात में है, ये एहतियात भी यूसुफ की ख्वाहिशात में है। इसी की नहजे बलागत पे ये जहां ठहरा, इसी की नहजे बलागत में ये जहां ठहरा, इशारा इसका भी देखो निगाह शाद में है। सत्ताम देखिए खवास का महिमा है, मैं शेर पेश करने जा रहा हूं बतौर खास, कि इशारा इसका भी देखो निगाह शाद में है, अभी भी वक्त है मौला अली मदद कह दो।
की अदा का हिस्सा है। काबे से के आखिरी दो शेर बतौर पास मातनी मौजूद है, मेरे शेर में मातनी जरूर शामिल होते हैं क्योंकि मुझे पता है सारे मैशर यही मेरे साथ होंगे। लगाता है जंजीर मातमी, बेझिझक लगाता है जंजीर मातमी, जो सोचता नहीं कि बहुत तेज धार है। इसलिए हर ताजिए के साथ रहता है अलम, इसलिए हर
नंबर कर रहा हूँ ये शेर, इंशाल्लाह सब साथ होंगे शेर में मेरे। ये ना कोई कह सके भाई अकेला हो गया, इस कदर सूखे गलों का रंग में हमला हो गया। खंजरों को जान से जाने का खतरा, तमाम नौजवान खंजरों को जान से जाने का खतरा हो गया। खुद के लिए किस्मत में ये कैसा इजाफा हो गया, अब तेरा बेटा भी सब का चहेता हो गया। इसलिए हर ताजिए के साथ रहता है, ये ना कोई कह सके भाई अकेला हो गया, ये ना कोई कह सके भाई अकेला हो गया। करके हम लोग फौज पर ये कहते जाते थे हबीब,